हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़। आज के इस लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट वन विषय जूलॉजी के प्रथम प्रश्न पत्र के तीसरे यूनिट में पैरामीशियम के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पैरामीशियम की संरचना का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पैरामीशियम वास्तविक रूप से कैसे दिखाई देता है, इसकी एक झलक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाईं ओर जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये पैरामीशियम का स्केच है, जबकि दाहिनी ओर जो स्टेन लिए हुए पैरामीशियम दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप के नीचे लिए गए चित्र हैं। आइए हम पैरामीशियम के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ हासिल करते हैं। दाहिने कोने पर ये पैरामीशियम का चित्र बना हुआ है। पैरामीशियम एक स्वच्छ जलीय माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन एनिमल है। पैरामीशियम के इतिहास के संदर्भ में हम देखें तो पैरामीशियम नाम 1752 में जॉन हिल के द्वारा इस जंतु को दिया गया था। पैरामीशियम की विस्तृत जानकारी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दी थी। पैरामीशियम का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो इस तरह से है। यह जंतु फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सिलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा के अंतर्गत आता है। सिस्टमेटिक पोजीशन का आशय यह है कि जंतु को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर जंतु जगत में किस स्थान पर रखा गया है। फाइलम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जंतु माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं, इसलिए इन्हें हम यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। दूसरा, इसका जो क्लास है वो है सिलिएटा। क्लास सिलिएटा के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उनमें प्रचलन के लिए, लोकोमोशन के लिए सिलिया शरीर के बाहरी सतह पर व्यवस्थित होती हैं। सब क्लास होलोट्राइका, होलो मतलब कंप्लीट, सिलिया जो इनके प्रचलन अंग हैं वो पैरामीशियम के शरीर पर संपूर्ण सतह पर समान रूप से विन्यस्त होते हैं, अर्थात यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिलिया ऑन बॉडी। ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, सिलिया ये ओरल रीजन पर मेम्ब्रेन की रचना करते हैं। और जीनस है पैरामीशियम जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पैरामीशियम की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। तो प्रजातियों में कुछ सामान्य गुण होते हैं और उन सामान्य गुणों के आधार पर उन्हें दो समूहों में बांटा गया है। पैरामीशियम का एक समूह ऑरेलिया समूह, ऑरेलिया ग्रुप कहलाता है, और दूसरा बर्सेरिया ग्रुप कहलाता है। ऑरेलिया ग्रुप की तीन प्रमुख विशेषताएँ होती हैं। पहली विशेषता, इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर होता है, ये लॉन्ग होता है और स्पिंडल शेप्ड होता है, तरकू के आकार का होता है। इनकी बॉडी का यदि अनुप्रस्थ काट TS सेक्शन लिया जाए तो वह राउंडेड दिखाई देता है। और तीसरा साइटोफाइस, जो कि उत्सर्जित छिद्र के रूप में होता है, यह ऑरेलिया ग्रुप में शरीर के
पिछले हिस्से पर वेंट्रोलेटरल साइड पर पाया जाता है और ऑरेलिया ग्रुप के अंतर्गत जो पैरामीशियम की प्रजातियां आती हैं वो हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया। पैरामीशियम की प्रजाति का दूसरा समूह है बर्सेरिया ग्रुप, जहां पर समान गुणों और लक्षणों के आधार पर इन पैरामीशियम्स की प्रजाति को इस ग्रुप में रखा गया है। बर्सेरिया ग्रुप में आने वाले पैरामीशियम की ये तीन प्रमुख विशेषताएं इस तरह से हैं। पहला, इनकी बॉडी शॉर्ट होती है, छोटी होती है, लेकिन ये वाइड होते हैं, शरीर छोटा और चौड़ा होता है। यदि इनकी बॉडी का अनुप्रस्थ काट लिया जाए तो ये फ्लैट या चपटे दिखाई देते हैं और इनके जो उत्सर्जी छिद्र हैं साइटोपाइज, ये सब टर्मिनल होते हैं, अर्थात शरीर के अधर सतह पर उपस्थित होते हैं, सामने की दिशा पर निर्देशित होते हैं। बर्सेरिया ग्रुप में आने वाले जो पैरामीशियम की प्रजातियां हैं वो इस तरह से हैं, पैरामीशियम बर्सेरिया, पैरामीशियम कैलकिंसी, पैरामीशियम वुडरूफी और पैरामीशियम ट्राइकियम। आइए हम कॉमन नेम के बारे में देखें। सारे पैरामीशियम को, चाहे वो किसी भी समूह का हो, सामान्य रूप से इन्हें स्लीपर एनिमल क्यूल कहा जाता है, लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम को इन्फ्यूसोरियन एनिमल क्यूल कहा जाता है, क्योंकि यह पैरामीशियम कॉर्डेटम ऐसे स्थानों पर अधिक संख्या में पाया जाता है जहां पर पदार्थ डीकम्पोज होते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं, और जहां पर ऑर्गेनिक मैटर्स की उपस्थिति या उपलब्धता ज़्यादा होती है। और ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होते हैं तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया बैक्टीरिया के द्वारा होती है और बैक्टीरिया की संख्या भी वहाँ अधिक होती है, और बैक्टीरिया पैरामीशियम के प्राथमिक भोजन होते हैं, प्रथम चक्र के भोजन होते हैं, और भोजन की सहज और बहु उपलब्धता के कारण से ऐसे स्थानों पर पैरामीशियम कॉर्डेटम की संख्या ज़्यादा पाई जाती है और इसलिए पैरामीशियम कॉर्डेटम को इन्फ्यूसोरियम एनिमल क्यूल कहा जाता है। आइए अब हम देखें पैरामीशियम के जनरल करेक्टर्स के बारे में। पहला, ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब उपस्थिति। पैरामीशियम, यह जंतु किन जगहों पर पाया जाता है, इसे हम ऑकरेंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैरामीशियम एक स्वच्छ जलीय जीव है, यह एक्वेटिक जीव है जो स्वच्छ जल के स्रोतों पर जैसे पॉन्ड, पूल, डिटेच, स्ट्रीम्स, रिवर, लेक आदि पर पाई जाती हैं। पैरामीशियम जल के उन स्रोतों पर अधिकतम संख्या में पाई जाती है जहां पर पानी स्टेग्नेंट होता है, रुका हुआ होता है, और स्टेग्नेंट वाटर में बैक्टीरिया की संख्या, ऑर्गेनिक मैटर की संख्या अधिक होती है, इसलिए ऐसे रुके हुए जल स्रोतों पर पैरामीशियम अधिक संख्या पर पाए जाते हैं। लोकोमोशन या प्रसरण की हम बात करें, लोकोमोशन का तात्पर्य यह है कोई भी जंतु किसी भी दिशा में, किसी भी माध्यम में यदि अपना स्थान परिवर्तित करता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो इस प्रक्रिया को लोकोमोशन कहा जाता है। और पैरामीशियम में लोकोमोशन की जो प्रक्रिया होती है वह सिलिया के द्वारा होती है। ये सिलिया इनके शरीर के संपूर्ण बाहरी सतह पर समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। सिलिया न केवल लोकोमोशन में मदद करते हैं बल्कि ये भोजन को पकड़ने और भोजन को ओरल ग्रूव की ओर निर्देशित करने में भी मदद करते हैं, सहायक होते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में हम देखें, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, प्राणियों की तरह होता है, क्योंकि ये अपने भोजन को कणों के रूप में या जिस रूप में भोजन है उसे उस रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्रश या तोड़ने की कार्रवाई नहीं करते हैं। तो एनिमल के रूप में भोजन ग्रहण करना, अर्थात ये भोजन के रूप में बैक्टीरिया को और दूसरे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो इनके आवास पे पाए जाते हैं उनमें माइन्यूट प्रोटोजोअन इत्यादि भी शामिल हैं, उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं
और इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वह होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। डाइजेशन, जो भोजन के कण शरीर के अंदर ग्रहण किए जाते हैं उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, इसलिए इस तरह के डाइजेशन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन, चूँकि एनिमल एक्वेटिक होता है, जली होता है, और यह अपने श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। चूँकि जंतु एक कोशिकी है इसलिए श्वसन के लिए कोई अतिरिक्त अंग उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए पैरामीशियम विसरण की विधि के द्वारा, जिसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, उसके द्वारा जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने साइटोप्लाज्म में ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर की सतह के द्वारा पानी में विसर्जित करता है विसरण की विधि के द्वारा। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की हम बात करते हैं, इस जंतु में कोई भी अलग से उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए शरीर के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन्हें विसरण की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस जंतु के एंडोप्लाज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसी रचनाएं भी पाई जाती हैं और ये रचनाएं भी साइटोप्लाज्म में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों को अपने माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित करने का भी काम करती हैं। देखें हम रिप्रोडक्शन के बारे में, पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल, सेक्सुअल और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। रिप्रोडक्शन का आशय यह है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री और प्रोडक्शन। री का आशय पुनः, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। तो यदि कोई जंतु अपने ही तरह के जंतुओं की रचना करता है, उत्पादन करता है तथा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तब इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए जंतु या अपने तरह के जंतु के निर्माण करने और अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए मेल और फीमेल गैमिट की आवश्यकता नहीं होती है, न ही अपने जैसे पार्टनर की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। पैरामीशियम में यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी का मतलब दो, फिजन टूटना, और टूटने का जो तल है, सरफेस है, वो अनुप्रस्थ होता है। अर्थात पैरामीशियम अनुप्रस्थ रूप से दो भागों में टूट जाता है, तो इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती है और इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी फिजन कहा जाता है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने ही तरह के नए जंतुओं के निर्माण करने और अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए मेल और फीमेल गैमिट या पार्टनर की आवश्यकता होती है, तब इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। पैरामीशियम में एक विलक्षण प्रक्रिया के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तीसरा है रिप्रोडक्शन बाय न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। तो यह न्यूक्लियस के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें मैक्रो न्यूक्लियस या बड़े न्यूक्लियस के लगातार कार्य करते करते निष्क्रिय हो जाने के कारण से पुनः बड़े न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस के निर्माण की आवश्यकता होती है और इस दरमियान जंतु की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो मुख्य उद्देश्य न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन का है और उसके परिणाम स्वरूप जंतु की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो यह भी प्रजनन या रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की जो विधि है वो ऑटोगैमी, एंडोमिक्सिस, साइटोगैमी और हेमिक्सिस के नाम से जानी जाती है। सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस पैरामीशियम बर्सेरिया एक स्पीशीज है उसमें देखने को मिलती है। पैरामीशियम बर्सेरिया के साइटोप्लाज्म में एक एल्गी पाई जाती है, उस एल्गी का नाम है जूक्लोरेली। यह जूक्लोरेली चूँकि एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करती है। और यह जूक्लोरेली
अपने द्वारा निर्मित किए गए भोजन को वह पैरामीशियम बर्सेरिया को भी प्रदान करती है, उसके साथ बांटती है, और इसके एवज में पैरामीशियम बर्सेरिया उसे आश्रय देता है, उसे शेल्टर देता है, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए जूक्लोरेली और पैरामीशियम बर्सेरिया के बीच के संबंध को हम सिम्बियोसिस के तौर पर देखते हैं, अध्ययन करते हैं। आइए हम देखें स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम की संरचना के बारे में। पैरामीशियम की संरचना को हम दो बिंदुओं पर बांट सकते हैं। पहला, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसमें जंतु के शरीर के बाहर कौन कौन सी रचनाएं देखने को मिलती हैं, उन रचनाओं को हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जंतु का शेप, साइज, पेलिकल, सिलिया, ओरल ग्रोव और साइटोपाइज प्रमुख हैं। जंतु के शरीर के भीतर जो रचनाएं मौजूद होती हैं, उन रचनाओं को हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, क्योंकि जंतु का शरीर एक कोशिकीय है और उस एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म में जो रचनाएं मौजूद होती हैं, उन रचनाओं को हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। साइटोप्लाज्म भी दूसरे जंतुओं की तरह बाहरी एक्टोप्लाज्म और भीतरी एंडोप्लाज्म में चिन्हित होती है। एक्टोप्लाज्म में जो रचनाएं पाई जाती हैं, उनमें पहला है बेसल बॉडी, दूसरा न्यूरोमोटर सिस्टम और तीसरा है ट्राइकोसिस्ट। इसी तरह एंडोप्लाज्म में जो प्रमुख रचनाएं उपस्थित होती हैं, वो हैं न्यूक्लियर अपरेटस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल और सेल ऑर्गेनेल। हम इनके स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन में एक्सटर्नल और इंटरनल अंगों में जो रचनाएं पाई जाती हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखें शेप एंड साइज के बारे में। एनिमल का शेप, पैरामीशियम का जो शेप है, वो स्लीपर शेप्ड होता है, सोल की तरह होता है, और इसलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यूल कहा जाता है। इस जंतु का जो अगला सिरा है वो राउंडेड होता है और पिछला सिरा ये क्रमशः सकरा होते हुए ये पॉइंटेड हो जाता है। एनिमल का जो डॉर्सल साइड है वो कॉन्वेक्स होता है और वेंट्रल साइड कॉन्केव होता है, अवतल होता है, और इसी कॉन्केव साइड को ओरल साइड या ओरल सरफेस भी कहा जाता है। साइज की जहाँ तक हम बात करते हैं, पैरामीशियम की अलग अलग प्रजातियों में इनकी साइज अलग अलग होती है, तो अलग अलग प्रजातियों में हम लंबाई के आधार पर यदि इनका अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि पैरामीशियम कॉर्डेटम में इसकी साइज 0.17 मिलीमीटर से 0.29 मिलीमीटर तक होती है, अर्थात ये लार्जेस्ट पैरामीशियम की प्रजाति। दूसरा पैरामीशियम ऑरेलिया, इसकी साइज 0.12 मिलीमीटर से 0.25 मिलीमीटर होती है, अर्थात ये औसत आकार के मॉडरेट साइज के पैरामीशियम है। और तीसरा पैरामीशियम ट्राइकियम, इसकी साइज 0.6 मिलीमीटर होती है और ये पैरामीशियम की सबसे छोटी प्रजाति के अंतर्गत मानी जाती है। आइए हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में दूसरी महत्वपूर्ण रचना के बारे में देखें, और ये रचना है पेलिकल। पेलिकल जंतु के शरीर के सबसे बाहर की ओर जो सीमा है, उसे पेलिकल कहते हैं। तो पेलिकल यह आउटर मोस्ट, सबसे बाहर पाई जाने वाली थिन, पतली, इलास्टिक मेम्ब्रेन के रूप में होती है, जो जंतु के शरीर को सुरक्षात्मक आवरण देती है, तो यह रचना कहलाती है पेलिकल। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पेलिकल ये विस्तार से हमको दिखाई देता, तो ये सारा का सारा जो भाग होता है यहाँ से लेकर के ये पेलिकल है, तो अपर सरफेस से लेकर के ये लोअर सरफेस तक का जो हिस्सा है ये पेलिकल होता है। और पेलिकल में जो रचनाएं पाई जाती हैं,
वो रचनाएं इस तरह से हैं। पेलिकल में सिलिया पाई जाती है। सिलिया ये इनके प्रचलन अंग होते हैं और सिलिया यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है तथा यह जंतु के शरीर पर समान रूप से विन्यस्त होती है, व्यवस्थित होती है। सिलिया गतिशील होती हैं, मोटाइल होती हैं और ये जंतु के प्रचलन के लिए और फीडिंग के लिए कार्य करती हैं। प्रत्येक सिलिया दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। बाहर की ओर का हिस्सा ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में, मेम्ब्रेन के रूप में होती है। इसे आउटर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेनस शीथ कहा जाता है और दूसरा जो इस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ इसकी पूरी लंबाई में फिलामेंट के रूप में अक्ष पे मौजूद होता है उसे एक्सियल फिलामेंट कहा जाता है। तो बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेनस शीथ और भीतर की ओर होता है एक्सियल फिलामेंट। यह जो एक्सियल फिलामेंट है वास्तविक रूप से ये दो सर्किल में, दो चक्र में व्यवस्थित होते हैं और इनकी कुल संख्या 11 होती है, 11 होती है। 11 में से 9 जो फिलामेंट होते हैं वो बाहर के चक्र पे होते हैं और 2 फिलामेंट भीतर के चक्र पर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सबसे बाहर की ओर जो काले रंग की लाइन दिखाई दे रही है यह इसकी आउटर मेम्ब्रेन है या आउटर शीथ है और इस आउटर शीथ के अंदर ये फिलामेंट की 2 चक्र हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला चक्र जो बाहर की ओर है ये पेरिफेरल चक्र है और दूसरा जो इसके केंद्र पर है वो इसका सेंट्रल चक्र है। तो पेरिफेरल लोकेशन पर जो 9 फाइब्रिल्स होते हैं, 9 फिलामेंट होते हैं, ये सब डबल होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 फिलामेंट में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। तो इनमें से प्रत्येक फिलामेंट 2 ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें क्रमशः 8B ट्यूब्यूल और A ट्यूब्यूल कहा जाता है। A ट्यूब्यूल के सामने की ओर अर्धचंद्राकार रचनाएं व्यवस्थित होती हैं और इन रचनाओं को डायनिन आर्म कहा जाता है। उसी तरह से जो B ट्यूब्यूल है वह अपने पीछे A ट्यूब्यूल से एक कनेक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और इस कनेक्शन को नेक्सिन कहा जाता है। भीतर की ओर इनर मेम्ब्रेनस शीथ होती है और इस शीथ के भीतर 2 फिलामेंट होते हैं और ये दोनों के दोनों फिलामेंट सिंगल होते हैं। पेरिफेरल फिलामेंट डबल होते हैं लेकिन सेंट्रल फिलामेंट ये सिंगल होते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो पेरिफेरल फिलामेंट हैं वो उनसे सेंट्रल फिलामेंट की दिशा में रेशेदार रचनाएं निकलकर उनसे जुड़ी हुई होती हैं और इन रचनाओं को रेडियल स्पोक्स कहा जाता है। तो ये रचना होती है सिलिया की। सिलिया के बाद आइए हम देखें ओरल ग्रूव के बारे में। तो यहाँ आप देखें पैरामीशियम में ये ओरल ग्रूव दिखाई दे रहा है। तो ओरल ग्रूव पैरामीशियम के शरीर में उसके लगभग मध्य भाग में वेंट्रल साइड पर उपस्थित होता है। यह इनके न्यूट्रिशन का कार्य करता है अर्थात ये इसके डाइजेस्टिव ट्रैक के रूप में काम करता है। और अंतिम रचना है साइटोपाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइटोपाइल जो एक अस्थायी छिद्र के रूप में तभी दिखाई देता है जब जंतु अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को या रेसिड्यूअल फूड को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। ये सूक्ष्मतम छिद्र के रूप में जंतु के शरीर के पिछले अधर सतह पर वेंट्रल साइड पर मौजूद होता है और इनके माध्यम से अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को शरीर से बाहर रिमूव किया जाता है अर्थात ये इजेशन का कार्य करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो रचनाएं या जो अंग दिखाई देते हैं वो इस तरह से हैं जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म
ये इनके शरीर के संपूर्ण अंदरूनी भाग को घेरे हुए होते हैं। ये पेलिकल के ठीक नीचे होते हैं और साइटोप्लाज्म को दो भागों में उनकी रचना उनके संगठन के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। आउटर यह साइटोप्लाज्म का भाग जो पेलिकल के ठीक नीचे होता है ये कंपैरेटिवली विस्कस होता है और इसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और दूसरा जो भीतर की सतह पर होता है यह वाटरी अपेक्षाकृत तरल होता है, यह एंडोप्लाज्म कहलाता है। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर या रचनाएं मौजूद होती हैं। आइए हम उन रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक्टोप्लाज्म में जो रचनाएं पाई जाती हैं प्रमुख रूप से उनमें है पहला बेसल बॉडी, दूसरा काइनेटोडेस्मेटा और तीसरा है ट्राइकोसिस्ट। बेसल बॉडी के बारे में हम देखें, बेसल बॉडी वास्तविक रूप से प्रत्येक सिलियम के बेस पर मौजूद दानेदार रचनाएं हैं जो एक गठान के रूप में स्थित दिखाई देती हैं। सिलिया का जो बाहरी सिरा है जो पेलिकल से बाहर निकला हुआ होता है यह सिरा स्वतंत्र होता है, लेकिन इसका आधारी भाग एक बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, उस बॉडी पर आधारित होता है और इस रचना को कहा जाता है बेसल बॉडी या काइनेटोसोम। ध्यान रखें कि बेसल बॉडी सिलिया को सक्रिय रूप से गति देने के लिए जिम्मेदार होती है, कार्य करती है और इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी सेंटर के रूप में भी जानी जाती है। दूसरी रचना है काइनेटोडेस्मेटा। तो काइनेटोडेस्मेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस जगह पर बेसल बॉडी होती है वहाँ से बहुत पतली धागे जैसी रचनाएं निकल करके एक ही दिशा में समान रूप से समानांतर रूप से आगे बढ़ती हैं, इन्हीं रचनाओं को काइनेटोडेस्मेटा कहा जाता है। ये बेसल बॉडी से निकल करके पीछे की ओर चलती हैं। तीसरी रचना कहलाती है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये ट्राइकोसिस्ट इनके आक्रमण और सुरक्षा दोनों तरह के अंग के रूप में काम करते हैं। आइए ट्राइकोसिस्ट के बारे में हम देखें। ट्राइकोसिस्ट का लोकेशन हम देखते हैं तो ये एक्टोप्लाज्म में तो पाई जाती हैं, लेकिन इनकी जो व्यवस्था है वो बेसल बॉडी से अल्टरनेट होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ट्राइकोसिस्ट है, बेसल बॉडी, अगेन ट्राइकोसिस्ट, अगेन बेसल बॉडी, अगेन ट्राइकोसिस्ट, अर्थात ट्राइकोसिस्ट ये बेसल बॉडी के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। जहाँ तक इनकी साइज की हम बात करते हैं, इनकी साइज 4 μ/2 μ होती है तथा इनका जो आकार है ये बॉटल शेप होता है, ये बोतल या बॉटल की तरह दिखाई देती हैं। और प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट पेलिकल की सतह पर अपने स्वतंत्र सूक्ष्म छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है और इस छिद्र को कहा जाता है ओपनिंग ऑफ ट्राइकोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट की संख्या जितनी होगी पेलिकल में इनकी ओपनिंग की संख्या भी उतनी होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पेलिकल में जो सिलिया होते हैं वो पेलिकल के बाहरी उभार पर उपस्थित जो सुराख हैं उसके द्वारा बाहर की ओर निकलकर स्वतंत्र हो जाती हैं और ऐसे अनेक उभार जो होते हैं ये डायगोनल व्यवस्थित होते हैं और जहाँ पर ये उभार होते हैं तो दो उभार के बीच में जैसे हम देख रहे हैं एक पेलिकल की उभार ये दिखाई दे रही है और दूसरी उभार ये दिखाई दे रही है तो हर दो उभार के बीच में एक दबाव होता है, एक गहरी खांच जैसी जगह होती है और इसी खांच जैसी जगह पर ही ट्राइकोसिस्ट अपने ओपनिंग के द्वारा बाहर की ओर संबंधित होती हैं, बाहर की ओर खुलती हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण से हम देखें प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट में दो भाग होते हैं। पहला जो बाहर की ओर होता है ये आकार में छोटा होता है और इसे स्पाइक के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो स्पाइक है कांटेदार जैसी रचना है और यहाँ हमने उसको विस्तार से प्रदर्शित किया है। स्पाइक ये कांटेदार रचना है जो बाहर की ओर से कैप के द्वारा सुरक्षित होती है, ढकी हुई होती है। तो जब ट्राइकोसिस्ट निष्क्रिय होते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो इनका स्पाइक कैप के द्वारा ढका हुआ होता है और स्पाइक के
ठीक नीचे की ओर इसका बेस का हिस्सा होता है जिसे हम बेस ऑफ स्पाइक कहते हैं। दूसरा भाग जो साइज में बड़ा होता है यह भाग इसका शेफ्ट कहलाता है। तो यह ट्राइकोसिस का शेफ्ट है जिसमें जिलेटिनस रिफ्रैक्टिव फ्लूड भरा हुआ होता है। रिफ्रैक्टाइल का मतलब है जो चमकदार होता है, जिलेटिनस होता है, स्वभाव से जिलेटिनस होता है, गोंद की तरह चिपचिपा होता है, और इसमें स्वेलिंग सब्सटेंस होता है जो एक्टोप्लाज्म से पानी सोख करके फूल सकता है, फैल सकता है। जब पैरामीशियम को डिस्टर्ब किया जाता है, चाहे उसके शिकारी के द्वारा या किसी दूसरे जंतु के द्वारा, तो इनके ट्राइकोसिस्ट जो हैं ये शूट आउट हो जाते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने के कारण से अंदर जो रिफ्रैक्टाइल स्वेलिंग सब्सटेंस होता है ये फैलने लगता है, और तेजी से फैलने के कारण से जो दबाव यहाँ बनता है उस दबाव के कारण से स्पाइक के ऊपर जो कैप है यह कैप निकल जाता है और यह स्पाइक बाहर क्यों स्वतंत्र हो जाता है, और इसी स्पाइक के अंदर मौजूद सुराख से जो जिलेटिनस सब्सटेंस होता है वो धागे के रूप में बाहर निकलता है, लंबे धागे के रूप में बाहर निकलता है, और वह अपने संपर्क में आने वाले जंतु के शरीर पर चारों ओर से लिपट जाते हैं, उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। और ये जो धागे होते हैं ये स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और उस जंतु के शरीर पर चिपक भी जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं, ऑफेंस का भी काम करते हैं और डिफेंस का भी काम करते हैं, अर्थात ये आक्रमण के अंग भी हैं और सुरक्षा के भी अंग होते हैं। हम यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझते हैं कि एक बार यदि ट्राइकोसिस्ट सक्रिय हो गया, अर्थात वो डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद वह नष्ट हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जिस स्थान का ट्राइकोसिस्ट सक्रिय होकर के नष्ट हो गया है उस स्थान पर नए ट्राइकोसिस्ट का निर्माण होता है, और नए ट्राइकोसिस्ट का जो निर्माण है वह उनके समीप के बेसल बॉडी के द्वारा किया जाता है। तो बेसल बॉडी से नए ट्राइकोसिस्ट का निर्माण होता है और ये ट्राइकोसिस्ट अपनी जगह पर प्लेस कर दिए जाते हैं। तो ट्राइकोसिस्ट इस जंतु के बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है जो इनके ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस के रूप में काम करते हैं। आइए हम देखें एंडोप्लाज्म और उसमें पाई जाने वाली रचनाओं के बारे में। एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म के नीचे की सतह पर मौजूद होता है तथा यह शरीर का अधिकांश भाग घेरे हुए होता है। एंडोप्लाज्म में जो महत्वपूर्ण रचनाएं पाई जाती हैं वो इस तरह से हैं, पहला न्यूक्लियर अपरेटस, दूसरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तीसरा फूड वैक्यूल और चौथा है सेल ऑर्गेनेल। आइए न्यूक्लियर अपरेटस के बारे में हम देखें। पैरामीशियम में न्यूक्लियर अपरेटस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की संख्या और न्यूक्लियस की रचना सामान्य न्यूक्लियस की बनिस्पत कुछ अलग होती है, भिन्नत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस उपस्थित हैं। पहले तरह का न्यूक्लियस जो आकार में बड़ा है तथा इसका शेप किडनी के समान दिखाई देता है, इस न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है, जबकि इसके साथ ही इसके खांच वाले भाग पर एक अति सूक्ष्म न्यूक्लियस मौजूद है, आकार में छोटा होने के कारण से इसे माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। तो मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियर अपरेटस कहा जाता है। इस मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दोनों में क्या विभिन्नता है इसके संदर्भ में हम देखते हैं। तो मैक्रो न्यूक्लियस ये लार्ज इन साइज आकार में बड़ा होता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस आकार में स्मॉल या छोटा होता है। मैक्रो न्यूक्लियस का शेप किडनी के आकार का होता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस का आकार राउंड या गोल होता है। मैक्रो न्यूक्लियस में बाहर की ओर सुनिश्चित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। मैक्रो न्यूक्लियस में
उसके भीतर की सतह पर बहुत सारी सूक्ष्म कणिकाएं जैसी रचना पाई जाती हैं जिनको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। तो मैक्रो न्यूक्लियस के अंदर बहुत अधिक संख्या में न्यूक्लियोलाई उपस्थित होती हैं, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के अंदर केवल एक न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। विभाजन के आधार पर हम तुलना करें, मैक्रो न्यूक्लियस में विभाजन असूत्री होता है, एमाइटोटिकली होता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस में विभाजन सूत्री होता है, समसूत्री होता है, जिसको हम माइटोसिस कह सकते हैं, और इनमें डिवीजन माइटोसिस के द्वारा होता है। फंक्शन मैक्रो न्यूक्लियस का जो कार्य है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, उनका नियंत्रण करना होता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस का कार्य रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को नियंत्रण करना, उनको रेगुलेट करना होता है। संख्या के आधार पर हम कंपेयर करें, सामान्य तौर पर पैरामीशियम की अधिकांश प्रजातियों में मैक्रो न्यूक्लियस एक की संख्या पर उपस्थित होता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस की संख्या पैरामीशियम की प्रजातियों में अलग अलग पाई जाती है। पैरामीशियम कॉर्डेटम इस प्रजाति में मैक्रो न्यूक्लियस की संख्या एक है। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस है, इसलिए ये पैरामीशियम कॉर्डेटम की प्रजाति है। दूसरा है पैरामीशियम ऑरेलिया, इसमें माइक्रो न्यूक्लियस की संख्या दो होती है। और तीसरी प्रजाति है पैरामीशियम मल्टी न्यूक्लिएटम, नाम से ही लगता है मल्टी न्यूक्लिएटम, अर्थात इनमें माइक्रो न्यूक्लियस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक तुलनात्मक जानकारी है न्यूक्लियर अपरेटस के अंतर्गत मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का। आइए अगले क्रम में हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में देखें। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक अति महत्वपूर्ण रचना है, ये काफ़ी संवेदनशील रचना है। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम एक जलीय जंतु है, और जलीय जंतु होने के नाते इसके शरीर में विसरण के द्वारा, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया के द्वारा पानी की मात्रा लगातार प्रवेश करते रहती है। और शरीर में जब पानी की मात्रा लगातार प्रवेश करेगी तो पानी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और शरीर टर्जिड होता चला जाएगा, फूलता चला जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी बॉडी पानी की अत्यधिक मात्रा के कारण से बस्ट हो जाएगी। तो शरीर के अंदर पानी की मात्रा को जरूरत के अनुसार बनाए रखना, नियंत्रित करना, इसके लिए जो अंग पाया जाता है, क्रियाशील होता है, उस अंग को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस चित्र में हम देख सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल शरीर के अगले छोर की दिशा पर उपस्थित है और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल शरीर के पिछले सिरे की दिशा पर उपस्थित है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या पैरामीशियम में दो होती है सभी प्रजातियों में। पैरामीशियम का जो फंक्शन होता है, जैसा कि हमने कहा कि शरीर के अंदर पानी की मात्रा को नियमित करना है, उसको मेंटेन करना है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, अर्थात कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये ऑस्मोरेगुलेटरी इन फंक्शन होते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर पानी की मात्रा को ये मेंटेन करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक पतली मेम्ब्रेन जो कि इलास्टिक होती है, लचीली होती है और सेमी परमिएबल होती है, उसके द्वारा निर्मित या घिरी हुई होती है बाहर की ओर से, और इसी रचना को मुख्य रूप से हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर की ओर से एक पतली इलास्टिक और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के एक सिरे पर एक छोटी सी केनाल स्थित होती है, इस केनाल को इजेक्टर केनाल कहा जाता है, और इसी इजेक्टर केनाल के शीर्ष पर एक ओपनिंग होती है, एक पोर होता है, जिसको एक्सटर्नल पोर ऑफ इजेक्टर केनाल कहा जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जितनी पानी की अतिरिक्त मात्रा
संगठित की जाती है, एकत्रित की जाती है, उस पानी की मात्रा को इजेक्टर केनाल के द्वारा एक्सटर्नल पोर से होते हुए शरीर से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पानी की मात्रा को शरीर के अंदर नियमित रखा जाता है। तो ये एक डिस्चार्ज केनाल के बारे में बात हुई। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से एसोसिएटेड 6 से लेकर के 8 तक, या कुछ परिस्थितियों में 6 से लेकर के 10 तक रेडियली अरेंज, तिर्यक रूप से व्यवस्थित केनाल होती हैं। इन केनाल्स को कहा जाता है रेडियल केनाल। ये रेडियल केनाल एक ओर इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में खुलती हैं, जबकि दूसरी ओर इनसे संबंधित अन्य भाग भी इससे संलग्न होते हैं। यदि हम रेडियल केनाल की संरचना को देखें तो प्रत्येक रेडियल केनाल में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग ये एंटीरियर पार्ट कहलाता है, और एंटीरियर पार्ट में इंजेक्टर केनाल होती है। तो इंजेक्टर केनाल के माध्यम से यह रेडियल केनाल ये इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से संबंधित होती है। और इंजेक्टर केनाल का मतलब है आए हुए पानी की मात्रा को इंजेक्ट कर देना, भेज देना, निर्देशित कर देना इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। तो इंजेक्टर केनाल यह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ओपन होती है। जो मध्य भाग होता है यह एम्पुला कहलाता है। तो ये जो फूला हुआ भाग है ये एम्पुला कहलाता है। और तीसरा जो इसके दूरस्थ भाग पर होता है, इसको हम डिस्टल या टर्मिनल पार्ट कहते हैं। ये बहुत सारी नलियों का एक जाल बनाता है, और इनमें से जो मुख्य केनाल होती है, जो एम्पुला से जुड़ी हुई होती है, यह केनाल कहलाती है फीडर केनाल। और फीडर केनाल फिर बहुत सारी सूक्ष्मतम नलिकाओं में, ट्यूब्यूल्स में विभाजित हो जाती है, और विभाजित होकर के एंडोप्लाज्म में फैली हुई होती है, बिखरी हुई होती है। इन स्मॉल ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल। तो ये सभी की सभी नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये रचना हुई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। तो यदि हम इसकी रचना को विपरीत क्रम से देखें तो हम ये देख रहे हैं नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल जो एंडोप्लाज्म में बिखरी हुई हैं, धंसी हुई हैं, और एंडोप्लाज्म से ये पानी की मात्रा को एकत्रित करके ये अपने बीच में मौजूद फीडर केनाल पे छोड़ती हैं। तो फीडर केनाल ये अपेक्षाकृत नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल की तुलना में चौड़ी नलिकाएं होती हैं, चौड़ी केनाल होती हैं। यह जो फीडर केनाल है इसका संबंध एम्पुला से होता है, और एम्पुला ये फैल सकने योग्य रचना है, बैलून की तरह ये फैल सकने योग्य रचना है। और यह एम्पुला इंजेक्टर केनाल के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में खुलती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंजेक्टर केनाल के माध्यम से एक्सटर्नल पोर के द्वारा यह शरीर के बाहर खुलती है। तो ये पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। अब हम ये देखें कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि ये पानी की मात्रा का नियमन करते हैं, और इसलिए एंडोप्लाज्म में जो पानी की मात्रा होती है वह पानी की मात्रा एक निश्चित मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस पानी के प्रवाह को हम पाथ ऑफ वाटर कहते हैं। तो इनके साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म में जितना भी अतिरिक्त पानी की मात्रा प्रवेश करती है वो पानी की मात्रा नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स में कलेक्ट कर ली जाती है। तो पानी कहाँ आ जाएगा, इस नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल में, और नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल से होते हुए वह पानी अब छोड़ दिया जाएगा फीडर केनाल में। तो ये केनाल जो केंद्र में आपको दिखाई दे रही है ये फीडर केनाल है, और फीडर केनाल से होते हुए अब यह पानी एम्पुला में पहुँचेगा। तो जब पानी एम्पुला में पहुँचेगा तो एम्पुला फैलने योग्य होता है। तो यहाँ पर चित्र में हम इसको पिचका हुआ देख रहे हैं। जब पानी इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये बैलून की तरह फूल जाएगा। तो सारे के सारे रेडियल केनाल के जो एम्पुला हैं पानी से भर जाने के बाद वो फूल जाते हैं, और जब अपनी क्षमता की से पानी की मात्रा से वो तृप्त हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तब एम्पुला का पानी इंजेक्टर केनाल के द्वारा छोड़ दिया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। ध्यान रखिएगा, जब एम्पुला पानी से भर जाता है तो एम्पुला पूरी तरह से टर्जिड होते हैं, फैले हुए होते हैं, और उस दरमियान
यह जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है यह खाली होता है और खाली होने के कारण से यह पिचका हुआ होता है। तो खाली होने के कारण से एम्पुला का सारा पानी अब एम्पुला से होकर के इंजेक्टर केनाल के द्वारा आ गया इस कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में, और कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में 6 से लेकर के 10 तक के जो रेडियल केनाल है उनसे जब पानी आता है तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, डायलेट हो जाता है, और पानी से अपनी क्षमता के अनुरूप भर जाने के बाद अब ये जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है ये सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के कारण से यहाँ दबाव पैदा होगा, और उस दबाव के दरमियान ये जो इंजेक्टर केनाल होते हैं ये बंद हो जाते हैं और पानी इस कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल से वापस रेडियल केनाल में नहीं जा पाता है, और इसलिए दबाव के कारण से अब वह पानी इंजेक्टर केनाल से होकर के एक्सटर्नल पोर के द्वारा पेलिकल की सतह से होते हुए जंतु के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं पाथ ऑफ वाटर। तो साइटोप्लाज्म का पानी नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स में आता है, कलेक्ट होता है, वहाँ से वह फीडर केनाल में भेज दिया जाता है, फीडर केनाल से एम्पुला में, एम्पुला से इंजेक्टर केनाल, वहाँ से कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, देन इंजेक्टर केनाल, और इंजेक्टर केनाल से एक्सटर्नल पोर के द्वारा आउटसाइड द बॉडी, और इस प्रक्रिया के द्वारा, इस पाथ के द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को ज़रूरत के अनुसार नियंत्रित और नियमित किया जाता है। दो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, एक है डायस्टोल और दूसरा है सिस्टोल। इस चित्र में गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, भरे होने के कारण से ये डायलेट होगा, फैला हुआ होगा, और इस अवस्था को डायस्टोल कहते हैं। और वहीं पर हम देख रहे हैं जो रेडियल केनाल है ये पिचकी हुई अवस्था में है, अर्थात ये खाली है, क्योंकि रेडियल केनाल का पानी ये आ गया है इसके कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में, इस वजह से एम्पुला सिकुड़ी हुई अवस्था में है, और सिकुड़ी हुई अवस्था को हम सिस्टोल स्टेज कहते हैं। तो यदि कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल डायस्टोल स्टेज में है, फैली हुई अवस्था में है, तो एम्पुला हमेशा सिस्टोल या पिचकी हुई अवस्था पर होंगी। यहाँ पर आप ये देखिए कि जो एम्पुला है ये एम्पुला पानी से पूरी तरह से भर गए हैं, अर्थात ये फैल गए हैं। तो यहाँ पर एम्पुला डायस्टोल स्टेज में है और जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है जो कि केंद्र में स्थित है वो पिचकी हुई अवस्था, इससे तुलना करें ये पिचकी हुई अवस्था में है, और इसलिए यह कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल सिस्टोल स्टेज में है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो एम्पुला हो चाहे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल हो, वह एक बार डायस्टोल और एक बार सिस्टोल अवस्था से गुजरते हुए अतिरिक्त पानी की मात्रा को बाहर निकालती है। ध्यान रखें, यदि एम्पुला डायस्टोल अवस्था में है तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल सिस्टोल अवस्था में होगी, और यदि एम्पुला सिस्टोल अवस्था में है तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल डायस्टोल अवस्था में होंगी। तो एकांतर रूप से ये काम करते हुए शरीर में पानी की मात्रा को नियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्योंकि दो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होते हैं इसलिए प्रश्न ये उठता है कौन सा कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल ज़्यादा सक्रिय और सक्रियता के साथ पानी की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर निकालता है। तो लोकेशन के आधार पर हम देखते हैं कि जो पोस्टीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है वह इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या ओरल ट्रैक्ट जो होता है उसके करीब होता है, और भोजन के साथ पानी की मात्रा भी इसके शरीर के अंदर प्रवेश करते रहती है। तो शरीर के पिछले भाग पर पानी की मात्रा का आगमन ज़्यादा होता है बनिस्पत शरीर के अगले भाग के, इसलिए शरीर के पिछले भाग पर पानी की मात्रा को तेजी के साथ नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो पोस्टीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है यह कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल ज़्यादा तेजी के साथ कार्य करता है किसकी तुलना में, एंटीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल की तुलना में। आइए अब हम देखें फूड वैक्यूल के बारे में। फूड वैक्यूल जंतु के एंडोप्लाज्म में पाई जाने वाली रचनाएं होती हैं, और ये जो रचनाएं हैं भोजन को इकट्ठा करने के उपरांत छोटी छोटी वैक्यूल बनने के कारण से होती हैं। तो जो भी भोजन के कण होते हैं ये इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से प्रवेश करते हैं पानी के साथ में, और वो भोजन के कण एक छोटे से बैग में इकट्ठा कर लिए जाते हैं, उसके बाद यह बैग
इस स्थान से पृथक होकर के एंडोप्लाज्म में चला जाता है और एक निर्धारित मार्ग पर ही यह घूमता है। तो ये जो रचना यहाँ निर्मित हो रही है, जिसके अंदर भोजन के कण संचित किए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं, इन्हीं रचनाओं को फूड वैक्यूल कहा जाता है। और फूड वैक्यूल जंतु के एंडोप्लाज्म में एक निश्चित साइकिल में घूमते हैं। आप देख रहे हैं एरो के माध्यम से इसे दिखाया गया है, ये फूड वैक्यूल के गमन का मार्ग है। तो इसी चक्र में ये घूमते हैं और भोजन के कणों का इस निर्धारित चक्र में घूमने की प्रक्रिया को साइक्लोसिस कहा जाता है। और अंतिम रचना है सेल ऑर्गेनेल। जो सेल होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग या ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। अन्य जीवों की तरह पैरामीशियम का शरीर भी एक कोशिका से बना हुआ है और इसलिए इसके साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इत्यादि के रूप में होते हैं और ये ऑर्गेनेल काफ़ी सूक्ष्मतम होते हैं तथा ये इनके एंडोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और ये अपना निर्धारित कार्य भी पूर्ण करते हैं। अभी हमने पैरामीशियम के संरचना के बारे में अध्ययन किया। पैरामीशियम की संरचना से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहले प्रकार का प्रश्न ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में होता है। इस चैप्टर से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, उन सब की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। दूसरा प्रश्न ये ऐसे टाइप होता है, निबंधात्मक होता है और इसमें एक ही प्रश्न बनता है, वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये रेफरेंस हैं जहाँ से इस विषय से संबंधित विषय वस्तु हमें अध्ययन के लिए प्राप्त होती है। उन किताबों के नाम, उन स्रोतों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। धन्यवाद।